आज फिर हम बर्बादी खराब है। चल गर्मी बहुत हो रही है यार आज। बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई आज सुबह सुबह मुझे जाना है यार हन्नी भाई के पास, और उसकी बुलेट सही करवानी है क्योंकि उसको तो भाई जॉब पे जाना है। तो अभी बस मैं जस्ट उठाई हूँ, 9:15 हुई हो रहे हैं। वैसे भी आज संडे है तो छुट्टी थी, इसलिए भाई आराम से उठा हूँ मैं। वैसे 9 बजे उठता हूँ सही बताऊँ तो भाई चलते हैं यार। सबसे पहले भाई आ गए हम बुलेट दिखाने हन्नी भाई। ये जा रहे हैं अन्नी भाई, तो देख ले भाई। बस तेरी सुबह सुबह आ गए अभी, तो ये बिना आए सही करने वाले भैया सही करेंगे, उनसे पहले आ गए। मुझे तो लग रहा है दुकान भी मैंने खोली आगे अन्नी भाई। तो भाई जा रहे हैं जॉब पे अपनी, मुझे 3 घंटे के लिए फंसा गया, लेकिन मैं अभी कट लूँगा, अभी देखना थोड़ी देर में। बस जाने दो अन्नी भाई को, फिर थोड़ी देर में निकल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सबसे पहले तो भाई हैप्पी मदर्स डे मैंने तो मम्मी को विश कर दिया। आप लोग भी अपनी मम्मी को विश कर देना, और सभी मम्मियों को भाई हैप्पी मदर्स डे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यार, पसीना आ गया भाई, मैं तो घर आ गया। वो भैया कह रहे थे शाम को मिलेगी बाइक, उसकी भाई की पूरी बाइक खुलवाई, देखा होगा आपने। वो तो मैं मजाक कर रहा था कि 5 मिनट में घर, ऐसे थोड़ी जाऊँगा यार दोस्त की बाइक छोड़ के। अब भाई सबसे पहले तो मैं नहाऊँगा यार, क्योंकि पसीना आ गया। तो चलते हैं भाई। भाई नहाने से पहले मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा काला होता जा रहा हूँ, तो मैं दुकान पे गया भाई भाग के। मैंने सोचा यार बंदी तो है नहीं, और काला हो जाऊँगा तो और नहीं बनेगी। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेके आया, दिखाता हूँ, मैंने डुबा रखी उसे पानी में। देखो भाई ये रही सही है ना, इसके बाद मुँह वह लगा के फिर नहाने जाऊँगा भाई। थोड़ा भी रिस्क नहीं लेने का, थोड़ा सा भी यार। मैं नहा कर आ गया, लेकिन कुछ खास फर्क आया नहीं भाई यार। गर्मी कितनी करवा रखी यार भाई, थोड़ी सी तो कम करवा दो। अब मैं मौसम वोसम नहीं दिखाता, बहुत मजाक बन रही थी भाई। आज तो मदर्स डे है ही, मदर्स डे तो भाई रोज़ ही होता है। अपने मम्मी को अच्छे से ट्रीट करा करूँ, वह तो करते ही होंगे भाई, बट तब भी ऐसा होता है ना, चिल्ला जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ये आशीष भाई तैयार हो रहे हैं, शाम हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि मुझे बाइक सिखाने जाओ। फुल रेडी हैं, फुल रेडी। चलो मैं ना जा रहा भाई आज, कोई नहीं अकेले चल रहा है। क्या अकेला भाई आज फिर हम बर्बादी खराब है। चल जा रहे हैं आशीष भाई को, फिर आज बाइक सिखाने जा रहा हूँ, तो इससे बड़ी बर्बादी नहीं हो सकती। रिस्क लेना पड़ता है भाई बाइक का, आज तो इससे चलवाऊँगा। चलो चलते हैं। मैं इससे सिखाने तो आ गया, अभी क्या हुआ, मैं जैसी बाइक से उतरा मैं आगे बैठा था, और ये भाई साहब भी अचानक से उतर गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज इससे चलवाएंगे, देखते हैं पिछली बार से इतने कितनी सीखी। खुशी देखो भाई, खुशी। तो चल आशीष भाई अब चला तू, चल 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 चल। गियर डाल दिया इसने, उड़ा ना दे यार भाई। लास्ट टाइम देख लो लिखा आगे सक्षम। ओ भैया ये जो झटका दे रहा है दिल पे लग रहा है सीधा, ये सोच कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, और ले घुस भैया। कोई बात नहीं आ रहा, ऐसे तो होता ही है, देखता हूँ कितनी देर में। 2 बार तो हो गई। सुन थोड़ी सी रेस लियो भाई, सही ठीक है, हाँ अच्छी रेस ले यार। क्लच दबा, क्लच कहाँ है, क्लच कहाँ है भैया। भैया से तो ये ना पता क्लच कहाँ है भाई। मैंने सब जाके थोड़ी बहुत जो भी ये गलती कर रहा था सारी बता दी, चेक करते हैं भाई इसका कि ये क्लच व्लच छोड़ रहा है, किक मार रहा है नहीं मार रहा, सब दिखाता हूँ। चल भाई मार, किक मार, जैसे सिखाई थी ना वैसे ही करियो। चल ठीक है, और क्लच भी वैसे ही छोड़ियो जैसे मैंने तुझे अभी बताया है। चल देख लो भाई, 2 दिन में सिखा दी तुम्हारे भाई ने, जा रहा अब चलाते हुए। अब तो भाई वैसे ही सही चला रहा है, लेकिन जाना पड़ता है, अगर गिर विर गया तो मैं उठाऊँगा ना, मैं नहीं सिखाई है, क्योंकि अभी मैं खुद अभी क्लच को ब्रेक समझ रहा था। पर कोई बात नहीं, इसको आगे सही चला रहा है बढ़िया, और 2-3 बार सिखाऊंगा तो सही हो जाएगा। गया तो था यार, लेकिन आया नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गया वो। आ गया यार चलाते हुए, तो देख रहा था पता नहीं कहाँ है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चक्कर काटने गया था। सही है, अब सही चल रही है, चलें बस चला ले अभी थोड़ी और चला ले। पर मुझे आ भी गई ना भाई, हाँ वो भी मैं आराम से चलाऊँ, क्योंकि जो गिरता है ना एक बार, हाँ जैसे पता लग जाता है।
सही में सही कह रहा भैया, एक बार ही गिरा था स्कूटी से, भयानक वाली चोट लगी थी इसकी बहुत ज़्यादा, तब से इसे अकल आ गई कि हल्के चलानी चाहिए, कि हल्के चलाओ भाई। मुश्किल से 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, और जो चोट लगती ना वो बहुत तड़पाती इंसान को एक महीने तक। अपनी सेफ्टी अपने हाथ बीच। भाई मैं तो घर जा रहा हूँ अकेला, मैंने भी यहीं पर सीखी थी बाइक, पर मुझे डैडी ने सिखाई थी। आशीष तो चला गया यहीं से अपने दोस्तों के साथ, बाइक मेरी यही चल रही है। भाई मैं तो घर आ गया हूँ, आशीष भाई तो वहीं अपने दोस्तों के साथ चले गए मुझे अकेला वहीं छोड़कर। तब से जिद कर रहा था सिखा दे चल ले और गया और मुझे छोड़ के और चला। मुझे ये कह रहा था आजकल हमारे साथ ब्लॉग नहीं बना रहे, तो इसको ले रहा हूँ भाई को मैं अपने ब्लॉग में आज। हाँ क्या हाल है तेरे? बस बढ़िया। ब्लॉग बना रहा था यार, मैं बाहर गया था ना, बाहर के बना रहा था भाई। डेली ब्लॉग देखता है मेरे डेली। आज कह रहा था आज हमारे साथ नहीं बना रहे आजकल, तो मैंने सोचा इस भाई को ले लिया। बताइयो मैं कहाँ गया था रिसेंट व्लॉग में? रिसेंट व्लॉग में देहरादून गए थे। हाँ और एक वहाँ पे जंगल का नाम नहीं आ रहा। चलो इसे इतना तो पता है देहरादून गया था, सही है यार। अबे तू तो आ जा। चल ठीक है चलता हूँ मैं। तो भाई अब हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि यार अब रात हो चुकी है। कल मिलते हैं भाई दोबारा, ऐसे ही सपोर्ट करो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं क्रिएटर क्या कोई भी इंसान हो, सुबह सुबह तो भाई ऐसा होगा बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल खुश, दिन ढलेगा मूड ऑफ होगा, स्ट्रेस आएगी, ज़िंदगी के चारों तरफ देखेगा कि चल क्या रहा है, उदास हो जाएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर एक नई क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ जिएगा। सच है ठीक है, चाहे आप खुद देख लेना अपनी ही लाइफ में देख लेना। फिलहाल मैं चलता हूँ, आपसे कल मिलता हूँ, बाय बाय। और भाई ऐसी सपोर्ट बनाओ, भले ही कम है बट जीता है, सही है, ओके, हल्के हल्के सब होगा। तो चलता हूँ यार, मिलता हूँ आपसे नए लोगों।